व्यापारियों के संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों सहित कई मुद्दों को लेकर शुक्रवार को भारत बंद बुलाया है। देश के कई व्यापारिक संगठन ट्रांसपोर्टर्स ने इस बंद का समर्थन किया है। बंद सुबह 6 से रात 8 बजे तक रहेगा। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन और संयुक्त किसान मोर्चा ने बंद को अपना समर्थन दिया है। दिल्ली में इस बंद का कोई असर नहीं दिख रहा, जबकि देश भर में इसका मिला जुला असर नजर आ रहा है। राजस्थान के जयपुर में अखिल भारतीय व्यापार महासंघ के भारत बंद के आह्वान पर ट्रकों का परिचालन बंद है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केरल में ईंधन की बड़ी कीमतों के विरोध में रस्सी से ऑटो रिक्शा खींचकर अपना विरोध जताया। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने अपने आवास से पटना के सचिवालय तक साइकिल यात्रा कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उधर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम मूल्य में वृद्धि ने उपभोक्ताओं को प्रभावित किया है, सर्दियों के जाते ही कीमतों में थोड़ी कमी आ जाएगी। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े के दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होता है थोड़ा घटेगा।